दोस्तों, आज मैं आपको क्यूब रूट के बारे में बताने जा रहा हूं। एक बहुत ही आसान मेथड से अपने उन विद्यार्थियों के लिए जो मेरे पास पढ़ चुके हैं या भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कृपया ध्यान देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख लिए हैं और उनका साथ में क्यूब भी लिख लिया है। ये हमें हमेशा दिमाग में याद रखने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने एक नंबर ले लिया है, इस नंबर का मैंने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका जो मेथड है वो सबसे पहले हम 3 का पेयर बनाते हैं और जो बाकी अंक डिजिट बच जाएंगे उसका भी पेयर बना लेंगे। अब हम एक बात और ध्यान से देखेंगे, जो मेरा यूनिट डिजिट है इसका क्यूब रूट यहाँ पर देखेंगे। इसका क्यूब 8 का क्यूब जो है मेरा 512 आ रहा है, तो हम इसके नीचे पुट कर देंगे 512। अब इसके आगे भी हम इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे, जो मेरा आंसर आएगा उसका एक डिजिट तो ये हो गया। अब हमने दूसरा डिजिट फाइंड आउट करना है जो इस पेयर में देखना है। अब इस पेयर का कंपैरिजन, ये जो नंबर है ये 10 है। अब हमने इसमें जो क्यूब लिए हैं उसी में से देखने हैं। जैसे 2 का क्यूब मेरा 8 होता है और 3 का क्यूब है मेरा 27, तो 10 जो है वो 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, जो कम वाला नंबर होगा उसे लेंगे और उस नंबर को नहीं लेंगे। जो क्यूब, ये जो मेरा क्यूब आया है किस में से निकला है, ये 2 का क्यूब निकला है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब कि 22 को हमने आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तब जाके ये नंबर आया है। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम जैसे मैंने ये 59319 ले लिया और इसमें से ये डिजिट है मेरा 99 का है आपका 79, तो एक डिजिट मेरा ये निकल गया। लास्ट में सेम प्रोसेस किया, जैसे इसमें ये जो डिजिट था इसमें हमसे ये पहले तो सबसे ऊपर वाले प्रोसेस से फॉलो करना है। नंबर ये पेयर बना लिया, फिर ये जो मेरा डिजिट है इसका हमने क्यूब देखा जो ये आया है, अब इसका लास्ट डिजिट हमने ये निकाल लिया है। अब देखते हैं हम 59, वो 59 जो है वो मेरा 4 और 3 के क्यूब में आ रहा है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मेरा छोटा नंबर होता है हम हमेशा उसको लेते हैं, तो ये 39 ही वो नंबर है जिसको आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करा है हमने, तो ये नंबर निकला है मेरा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी आपको समस्या हो तो कृपया कमेंट करें, या कोई इसमें गलती हुई हो तो माफ़ करना। मैं भी इतना बड़ा मैथ का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन कई बार जो अपने बड़े भाई होते थे उनसे पूछता था तो कुछ बताने वो कतराते थे। कि मेरा यही प्रयास है कि जो बच्चे मैथ में डरते हैं या जिनको कई कारणवश झिझक होती है, वो पूछ नहीं पाते हैं, वो बेझिझक मुझसे बताएं, मैं उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, पहाड़ी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो। बेझिझक मुझे कमेंट में अपने सुझाव दें। धन्यवाद।